इंडिया के अंदर ना हर सेगमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं, जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ। तो ऐसे में जो हम जैसे मिडिल क्लास हैं, वो सोचता भी है वैल्यू फॉर मनी लेने की प्लानिंग करते हैं, चाहे फ़ोन हो, चाहे अप्लाइंसिस हो, चाहे गाड़ी कुछ भी हो, वो वैल्यू फॉर मनी लेने की कोशिश करता है, चाहे कितना ही पैसा लगा दे, चाहे 1 लाख लगा दे, चाहे 1.5 लाख लगा दे, चाहे 60,000 भी ले, चाहे 40,000 के भी ले, तो उसको हमें चाहिए वैल्यू फॉर मनी। तो ऐसे में बहुत सारे होते हैं कि भैया सोचते हैं 1 लाख में कुछ प्रीमियम स्कूटर आता है क्या, या कुछ ऐसे प्रीमियम क्वालिटी का इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है। मैं आउट ऑफ बॉडी की बात कभी नहीं कर रहा, क्योंकि आउट ऑफ बॉडी धोखा दे जाएगी आपको एक समय बाद, क्योंकि कंपनी भैया की फायर बॉडी यूज़ करती है, हल्का हल्का टूट जाती है। तो मैं बात करूँ परफॉर्मेंस वाइज और फीचर वाइज, तो ऐसे में एक स्कूटर लेके आया इस वीडियो में, जो कि 1 लाख में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ दे रहा है, जो कि जमपाई का एस्टेट डिलीट। तो इस वीडियो में इसी बारे में आपको डिटेल बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है, जिसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर तक की है, रेंज वगैरह मैं आगे बताऊंगा, प्राइस भी आगे बताऊंगा, उससे यहाँ तो नहीं बताने वाला, ठीक है। बाकी अगर आप लोग जानना है तो भाई वीडियो पर एंटर देंगे, कहीं इसी मत करना। वीडियो स्टार्ट करने पहले आप सभी को नाम, कैसे आप लोग अभी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी मिशन डेली बेसिस मिलती रहे, मेरे को मोटिवेशन आती रहे आपको ऐसी मिशन डेली बेसिस पर देने की। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वही बिना किसी डेडिकेशन की, जैसे गवर्नमेंट काम करते हमारी कोई डेडिकेशन नहीं है। ये लाइट भी कह सकते हो आप लोग, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसा कहना है। जो कि 52,000 के बजट में आता है, मतलब बेस वेरियंट इसका इतने का आता है, और जो टॉप मॉडल है वो आता है 1,11,000 के आसपास का। और ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर भी है, आप लोगों ने आई एम श्योर आप लोगों ने इसके इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे होंगे रोड पर। तो इसका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये बजाज वगैरह को टक्कर देने के लिए कंपनी निकाला है था, मगर इसकी इतनी सेल होती नहीं है, मगर फिर भी इस वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊँगा कि क्या क्या मिलता है। तो अगर आप लोगों को लेना हो तो ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ एस्टेट लिट के, मतलब एस्टेट लिट जंपा एस्टेट लिट के लोड कैरिंग कैपेसिटी के, कितना लोड ले जा सकता है, तो इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 kg तक है, जो कि इतनी ही रहेगी, कंपनी कैरी इसके ऊपर नहीं जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसकी टॉप स्पीड की, तो जंपा एस्टेट लिट की टॉप स्पीड है 75 किलोमीटर तक की है, तो कंपनी कैरीज पर आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी स्पीड होने के बावजूद, ध्यान सुनना। और इसके अंदर आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। इको का आप लोग नॉर्मल भी कह सकते हैं, इसके अंदर आपको ज़्यादा रेंज मिलेगी, और इसकी जो रेंज है मैक्सिमम वो 90 किलोमीटर तक की है, मतलब इतने पैसे देने के बाद ही आपको 90 मिल रहे हैं। अगर आप मैग्नेस प्रो लेते हो तो आपको कम बजट में 60 की रेंज मिलती है, वैसे कंपनी थोड़ी नई है, इससे थोड़ी नई है इसे। अगर मैं इसके फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ, कीलेस एंट्री, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, मतलब मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एंट्री सब अलार्म मिल जाता है, और भी कई सारे फीचर मिलते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रिक मोटर की बात करूं, जो मैं पास एस्टेट डिलीट की, तो इसके अंदर आपको 2400 वाट का पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है, और साथ इसके अंदर आपको 1.7 किलोवाट की बैटरी मिल जाती है, और ये फुल चार्ज होने पे 90 से 200 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। और अगर मैं इसके बाकी फीचर की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या क्या फीचर मिलते हैं, तो बाकी फीचर की बात कर लेते हैं। वो है डिजिटल स्पीडोमीटर, DLS, पुश बटन स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, साइड स्टैंड सेंसर, कीलेस एंट्री, EBS, डिजिटल कलर डिस्प्ले, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, और इसके जो टर्न सिग्नल लैंप है वो बल्ब हैं, और इसके अंदर जो आपको इलेक्ट्रिक बैटरी मिलती है वो लिथियम आयन होती है, और ये आपको 3 वाइंडिंग मिलता है, और ये जो वेरियंट है ये बैटरी के हिसाब से अलग अलग है, जैसे 72 वोल्ट, 24 एम्पीयर या कुछ ऐसे, बैटरी की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी आपको अलग अलग प्राइस रेंज के अंदर में। और कंपनी ये कह रही है कि इसकी जो बैटरी है 80% तक चार्ज हो जाएगी सिर्फ 2 घंटे के अंदर में, और इसकी बैटरी पर कंपनी 3 साल की वारंटी दे रही है। और जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है 0 से 40 की स्पीड ले लेगा 3 सेकंड के अंदर में, और इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है 4 किलोवाट का पावर जनरेट कर सकती है, और बैटरी ऑब्वियसली बताइए डिटैचेबल है, आप लोग निकाल सकते हो। तो जो मैं आपको बता रहा था कि बैटरी के हिसाब से वेरियंट है इसके, तो जो पहला वेरियंट है वो 1.7 किलोवाट का है, जो कि 92,000 में आता है। दूसरा वेरियंट है 2.16 किलोवाट का, जिसकी प्राइस है 99,369 रुपये, और जो तीसरा वेरियंट है वो है 2.88 किलोवाट का, जिसकी प्राइस है 1,11,000 रुपये। और जमपाई का एस्टेट लीड 5 किलो ऑप्शन मिलता है आपको, 5, मतलब अपने कलर के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा आपको कलर पसंद है, काला, पीला, हरा, नहीं, जो भी अवेलेबल है उसे देख सकते हो। तो अगर आप लोग भी प्रीम स्कूटर देख रहे थे 1 लाख के बजट के अंदर में, तो आप लोग जो बाइक है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसी सेगमेंट के अंदर आता है, और इसी चीज़ कंपनी निकालो, क्योंकि यह है कि 1 लाख में तो आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, जैसे ईथर के आते हैं, ओला के आते हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, मतलब सेल अच्छी है, रेपुटेशन की क्या ही बात करूँगी, हाँ रेपुटेशन कुछ बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि कभी किसी की में आग पड़ रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, किसी में कोई दिक्कत आ रही है। अगर मैं ओला की पकड़ लूँ, ओला के अगर मैं कस्टमर केयर के किसी भी पेज पर चले जाऊँ, किसी भी सेक्शन में चले जाऊँ, कमेंट सेक्शन में चले जाऊँ, तो आधे ज़्यादा लोग गाली लिख के जाते हैं कि इसमें दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है।
तो रेपुटेशन की बात तो नहीं की जाए, मगर ये कि बेस्ट सेलिंग स्कूटर है। तो अगर आप लोग चाहते थे कि इनसे हट के कोई है, तो जो बाइक का एस्टी डिलीट है, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो। कभी अगर कंसिडर करते हो लेते हो, फिर मेरे को अटैक करना किसी प्लेटफॉर्म में, मेरे को बड़ी खुशी। बाकी अगर आपको मेरे कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को ले, गाड़ी को लेकर, किसी स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम पूछ सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो उस क्वेरी पर डिटेल वीडियो बना दो, तो मेरे को बता सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के अपनी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर, वीडियो फॉर्म के अंदर, ताकि आप लोग जब मन कर दे सको और चाहो तो शेयर भी कर सको। बाकी इस वीडियो से इतना ही गाइस, अगर अच्छी लगी वीडियो लगे तो आपको पता क्या करना, लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।